आज यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट देने के बाद, फिर चाहे आप कोई से भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो जेई मेंस का हो, जे एडवांस का हो या फिर बिटसेट का हो, कोई भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, सो मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि मॉक टेस्ट के बाद आपने क्या करा है। क्या आप उस मॉक टेस्ट को प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं? क्या जो मिस्टेक्स आपने उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में करी, क्या आप उसको करेक्ट कर रहे हैं? इन्हीं के ऊपर आज यार मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम पेपर को एनालाइज कर सकते हैं मॉक टेस्ट देने के बाद, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हम मिस्टेक्स जो हमने अभी करी हैं वो एग्जाम में जाके ना दोहराएं। सो यार बेसिकली मेरे पास 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए हम थोड़ी अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यूज करेंगे। तो चलो यार बात करते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस क्या होते हैं और उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यार फर्स्ट कैटेगरी में वो क्वेश्चंस आते हैं जो कि मोर और लेस बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि फोर्स बताओ, मास और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या फिर डायरेक्ट प्रोसीजर बेस्ड होते हैं। या तो कोई फॉर्मूला होगा जिसमें आपको वैल्यूज डालनी है और जो आंसर है वो 4 ऑप्शन में से किसी एक में लिस्टेड होगा, या फिर कोई सेट पैटर्न है, कोई सेट प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्ट होते हैं जो कि इंटेंशनली दिए जाते हैं ताकि मेजॉरिटी पब्लिक जो है वो इसको कर ले। तो पहली कैटेगरी क्वेश्चंस तो ये हो गए। सेकेंड कैटेगरी में यार वो क्वेश्चंस आते हैं जो इतने डायरेक्ट नहीं होते, बट स्टिल अगर आप थोड़ा टाइम उनको देंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है इन द सेंस, तो आप उनको क्रैक कर सकते हैं। बहुत बार यार क्या होता है, मैं अपने बिटसेट के टाइम का आपको बताऊं तो फिजिक्स से अगर मैं बात करूं तो 40 में से 30 क्वेश्चंस तो मोर और लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड ही थे। जो बाकी 10 क्वेश्चंस थे उसमें 7-8 क्वेश्चंस अब सेकंड कैटेगरी वाले थे, कि मतलब यार देख के ये समझ में आ गया कि ये कौन से चैप्टर में से आए हैं, बट ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं या फिर वो कैसे अप्लाई होगा। उसमें आपको थोड़ा सा अपना क्रिटिकल थिंकिंग को इन्वॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा आपको इधर उधर हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, फिर जाके आपका आंसर आता है। ऐसे नहीं कि आपका आंसर नहीं आएगा, बट वो आंसर आता है। तो सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन में हल्की सी अनसर्टेनिटी हो जाती है। इनके लिए हम अलग थोड़ी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि इनकी मिस्टेक्स को हम कैसे कम करें। और जो लास्ट कैटेगरी है वो यार ये होते हैं कि वो आपको नहीं आता। अब बेसिकली ये जो कैटेगरीज हैं ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है। हो सकता है कोई क्वेश्चन मेरे लिए टफ हो बट आपके लिए वो इजी हो। सो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है, तो ये आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है मॉक टेस्ट देने के बाद। तीसरी कैटेगरी क्वेश्चन आपको नहीं आते, या तो आप उनमें तुक्के मार के आओगे या फिर आप उनको छोड़ कर आओगे। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब हमें पेपर एनालाइज कैसे करना है? सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू नीड टू सेग्रीगेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू दीज 3 कैटेगरीज। सबसे पहले आपको यार जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, उन सबको आपको सेपरेट कर लेना है, मार्क कर देना है हर क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सी कैटेगरी का है। अगर डायरेक्ट है, फॉर्मूला बेस्ड है, वो यार जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपको देख के पता चल जाएंगे कि यार ये फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। यार ये चीज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करी है। जो बेसिक चीजें हैं जो यार बोर्ड्स में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में डायरेक्ट मिल जाएंगी, जस्ट फॉर्मूले बेस्ड कि आपको टर्म्स की वैल्यू डालो आपका आंसर आ जाएगा, वो आपको आती है। मैं यार ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए कि कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है, कैटेगरी 2 का क्वेश्चन है या फिर कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर आपने ये ढंग से नहीं करा तो फिर जो सब्सिक्वेंट स्टेप्स में हम जाने वाले हैं वहां मिस्टेक होने के काफी चांसेस हैं, और जो आपका एनालिसिस है वो फिर प्रॉपरली निकल के नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, आइडेंटिफाई कर लिया और मार्क कर दिया कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से कैटेगरी के हैं। सेकेंडली हमें क्या करना है, अगर कोई फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, फर्स्ट कैटेगरी के जितने क्वेश्चन हैं आप सबको सेग्रीगेट कर लो, सबको लिस्ट डाउन कर लो। बेसिकली लिस्ट डाउन भी नहीं करना, अगर फॉर एग्जाम्पल 90 में से आपके 35 क्वेश्चन है जो फर्स्ट कैटेगरी के, तो ये नंबर आप नोट डाउन करके रख लो कि यार 35 क्वेश्चन आप हमने फर्स्ट कैटेगरी। उन क्वेश्चन में से यार आप देखो कि मैंने कितने क्वेश्चन में गलती करी है और कितने क्वेश्चन सही करे। ये क्वेश्चन यार इंटेंशनली दिए जाते हैं, बता रहा हूँ यार मैं आपको, बिलीव मी, ये जानबूझ के डाले जाते हैं ताकि ऐसा ना हो कि किसी बच्चे का स्कोर 0 रह जाए या नेगेटिव चल जाए। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के आया है तो उसको कुछ ना कुछ नंबर मिलने चाहिए। दैट्स व्हाई दीज क्वेश्चंस आर पुट, एस्पेशली इन जेईई मेंस। मैं जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ, बिटसेट में तो काफी सारे क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे। तो ये यार आपसे हो ही जाने चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग है तो आप कर लोगे इसको, आपको बेसिक आने चाहिए बस, यू वुड बी एबल टू सॉल्व देम वेरी इजीली। तो यार यहाँ आपको परसेंटेज निकालनी है कि टोटल कितने क्वेश्चन थे जो कि फर्स्ट कैटेगरी के थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, और उनमें से कितने क्वेश्चंस मैं सही कर पाया, वो परसेंटेज आपको निकालनी है और उनको
बढ़ाने के लिए आपको काम करना है, उस परसेंटेज को हमें इम्प्रूव करना है। दिस इज आवर प्राइमरी एम, क्योंकि जो क्वेश्चंस बाकी सब लोग कर रहे हैं, अगर हम उन्हीं को गलत करके आएंगे विद नेगेटिव मार्किंग, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमारी रैंक काफी ज्यादा पीछे चल जाएगी। जनरली इन क्वेश्चन से मैंने देखा है कि सिली मिस्टेक्स होती हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, प्लस माइनस का मिस्टेक कर दिया, करेक्ट नॉट करेक्ट का मिस्टेक कर दिया, कुछ क्वेश्चन की वैल्यू लेने में मिस्टेक कर दी। तो यार इसको बहुत इजीली हम सही कर सकते हैं, बस कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा रखना है पेपर के टाइम पे, पेपर करने के टाइम पे। वो मैंने और वीडियोस बना रखी हैं कि हाउ टू इंक्रीज एक्यूरेसी, आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, वहां जाके भी आप देख लीजिए। कैटेगरी टू के जो क्वेश्चन है जिनमें थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्वॉल्व होगी, सेम चीज आपको उसके साथ करनी है, आपको परसेंटेज निकालनी है। बट एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए हो, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हो। यहाँ जो परसेंटेज निकलेगी वो सिर्फ उनकी निकलेगी जो आपने क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। जो आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े उनको आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो कौन से चैप्टर के हैं, उस चैप्टर को जाके खोलिए आपकी बुक में जिससे भी आप प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो किसी कोचिंग का मॉड्यूल हो, चाहे फिर वो सेंगेज हो, चाहे फिर वो एच सी वर्मा हो, चाहे फिर वो आर डी शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, कुछ भी हो। जो भी क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ा है, इट डायरेक्टली मीन्स कि आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनफैक्ट उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और आपको नॉलेज भी उतनी ज्यादा नहीं थी, नहीं तो हम कुछ ना कुछ तो मार करके आते ही हैं टेकिंग अ रिस्क, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को जाओ और अच्छे से रीड आउट करो जो आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, उन क्वेश्चंस के चैप्टर को। जितने चैप्टर्स हैं आप सबका एक बार भी रीड आउट कर लोगे और प्रॉपरली रीड आउट कर लोगे। रीड आउट करने का मेरा मतलब यह है कि यार अगर केमिस्ट्री है तो रीड आउट करो और लर्न करो चीजों को, अगर फिजिक्स या मैथ्स है तो यार आपको फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही जाना पड़ेगा, बार बार चैप्टर रीड करने से नहीं होगा। मैथ्स में यार आप जितने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। आर डी शर्मा के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एंड में जो होते हैं सब्जेक्टिव बुक में, काफी ज्यादा वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं, आप वो करके जाइएगा, पक्का से पक्का आपके काफी अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि ये जो सेकेंड कैटेगरी है ये जनरली उन्हीं के लेवल के होते हैं, उससे ऊपर वाला लेवल आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास और टाइम है या फिर आप टाइम यूज कर सकते हैं, अपना निकाल सकते हैं टाइम, तो मैं बोलूंगा कि यार सॉल्ट एग्जाम्पल भी देख लेना आर डी शर्मा के, क्योंकि यार वो भी काफी अच्छे लेवल के होते हैं, इनफैक्ट वो थोड़े और हायर लेवल के होते हैं, तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो और अच्छे से स्टिमुलेट हो जाएगी एग्जाम के टाइम पे। तो यार ये तो बात हो गई कि वो क्वेश्चन जो हमें नहीं आते वहां तो हमें इंटेंसिवली प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस की, ताकि अगर कोई और डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन हमें एनकाउंटर होता भी है तो भी हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, थोड़े बायोलॉजी में जा रहा हूं, जो न्यूरॉन्स हैं वो इतने हैबिचुअल हों अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस करने के लिए कि एक ही कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग जगाने अलग अलग जगह लगाने में कैपेबल रहे, वो यार से प्रैक्टिस है। अब अगर वो क्वेश्चन है जो सेकंड कैटेगरी का है, उतना डायरेक्ट नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट आपने उसको अटेम्प्ट करा और उसको गलत करा है, सो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि यार वो आपको कहीं ना कहीं आता था, बट उसका या तो एप्लीकेशन गलत है या आपका फॉर्मूला गलत है। वहां आपको इतना सारा कुछ नहीं करना जो हमने अभी सेकंड कैटेगरी के अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में करा है, वहां आपको एक छोटी सी चीज करनी है, तो यार गलती वहां से आपको पता चलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होती है या फिर कुछ ऐसी चीज हमें सीखने को मिलती है जो हमने पहले कभी एनकाउंटर नहीं करी होती। फॉर एग्जांपल एक हमारा जे एडवांस की बात करके चलता हूँ, जे एडवांस का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मैच द कॉलम्स आते हैं, ठीक है, मैच करना रहता है। बहुत बड़ी गलती मैंने क्या करी थी, ऊपर लिखा हुआ था मैच विथ इनकरेक्ट वंस, अब जनरल टेंडेंसी होती कि मैच विथ करेक्ट वंस, राइट, मैंने वो पढ़ा नहीं मैच विद इनकरेक्ट वंस। जब वो गलती हुई, मेरे वो चार पार्ट थे उसमें विद नेगेटिव मार्किंग, सबके दो दो थे, दो दो नंबर के, तो मेरे 10 नंबर का लॉस हुआ था। तब से मैं हमेशा टाइटल जो है वो पढ़ता हूँ क्वेश्चन का। तो ऐसी ऐसी चीजें भी आपको इनकाउंटर हो सकती हैं जो आपने कॉन्सेप्ट भी सही लगाया बट आपकी गलती हो। तो यार ये हमारा सेकंड कैटेगरी खत्म हो गया। थर्ड कैटेगरी वो होते हैं जो आपने तुक्का मार दिया या फिर आपको बिल्कुल ही बहुत कम नॉलेज थी बट स्टिल आप अटेम्प्ट करके आ गए, उनको हमें कुछ नहीं करना, आपको लीव करना है अभी के लिए। पेपर में तो हम जब बोनस क्वेश्चंस पे जाएंगे तो हम ऐसे ऑप्शंस को मार्क करेंगे ही सही, बट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन हमें, क्योंकि एक ऑथेंटिक एनालिसिस चाहिए, एक ऑथेंटिक रिजल्ट चाहिए हमारी प्रिपरेशन का, देयरफॉर हम ऐसे तुक्केबाजी पे अभी प्रिपरेशन के टाइम नहीं जाएंगे। हम बोनस क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करना होगा वेबसाइट में तो मारेंगे तुक्के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई हेसिटेशन नहीं है, बट प्रिपरेशन के टाइम जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं उस टाइम पे हम ऐसा नहीं करते। और यहाँ पर हमारा कैमरा जो था वो एक्चुअली डिस्चार्ज हो गया था, तो मैंने वापस आगे से कंटिन्यू करा है। तो बेसिकली अगर मैं आपको 10 सेकंड में बताऊं पूरा क्रक्स ऑफ द वीडियो, तो वो ये है कि सबसे पहले जो आपके कैटेगरी वन के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनके आपको परसेंटेज को बढ़ाना है, कैटेगरी टू के जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनके आपको कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से पढ़ना है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आगे
करते रहना है, और जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनमें आपको यार ये देखना है कि मैंने कहाँ गलती करी, आंसर और सॉल्यूशन देखना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यार ये चीज़ मैं वापस ना दोहराऊं, क्योंकि वो चीज़ आपको आती है बट क्योंकि वो इतनी सटल चीज़ है, हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया पेपर करते टाइम, या फिर आपने पढ़ते टाइम उतने अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। और जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन है जिनमें हमने तुक्काबाजी करी है, वो आपको मॉक टेस्ट में नहीं करनी, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यार कैसे एनालाइज करना है पेपर को। आपका और कोई डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आईडी आपको यहाँ लिखी हुई दिख रही होगी। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।